हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं, सभी साथी एक बार चेक कर लीजिए। अब आ रही है ना। प्रदीप सिंह जी लेट तो हो गए हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम था, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मेरी गलती नहीं है, टाइम से क्लास स्टार्ट कर रहा था लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सभी जुड़ जाइए फटाफट। विकास जी, विवेक जी, तूफान सिंह, अंशु कुमारी, कपूर तिवारी, काजल सक्सेना, अंजना कुमारी, सत्यम, अंकिता, तूफान सिंह चौहान, रेखा शेखन, बिल्कुल रेखा दी, शुक्रिया, अंजलि कुमारी, काजल सक्सेना, अंशु कुमारी, डीके सिंह, आलोक कुमार सिंह, बिल्कुल सभी का स्वागत। जो सभी जुड़ जाइए फटाफट। अब आवाज़ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार, सभी साथी चेक कर लीजिए। अब आवाज़ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने तो चेक कर लिया, आवाज़ तो आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए। सभी साथियों से बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लोग एक बार सभी लाइक कर दीजिए, ठीक ना। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, सभी इसका आंसर बताइए। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल या नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, वे क्या कहलाते हैं। चलिए आंसर बताइए, पहला क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए। राहुल कुमार जी, राज पंडित जी, प्रदीप जी, अंकिता, पवन, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। घूम लग गया लखनी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट ध्यान देना। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सभी साथ याद रखना, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं, वे क्या कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सी सभी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है, सी बताने वाले सभी का ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। साथियों बताना सभी साथी, क्वेश्चन नंबर दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। कपूर तिवारी जी, चंदन शर्मा, रश्मि रंजन, आशीष कुमार। अच्छे से नहीं आ रही है आवाज़। चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी, सुनील, रमेश्वर, आंशु, योगी, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी याद रखना, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान दीजिए। निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है। देखिए निम्न में से किस गैस को गुब्बारों में भरने में सहायक है, मतलब कि गुब्बारों में भरा जाता है कौन सा गैस, आपको बताना है। भाई सिंपल क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। बफरिंग नहीं हो रहा है मोहित जी, गलत मत बताइए। क्या आंसर आएगा, हीलियम। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। लखन सिंह जी, सुमित जी, सभी का करेक्ट है। अनु पटेल, डीके सिंह, सभी का करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आएगा, हीलियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सुधारक है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन मिट्टी को सुधारता है, कौन मृदा सुधारक है। चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। निम्न में से कौन मृदा यानी मिट्टी सुधारक है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, जिप्सम बताने वाले सभी का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। सभी ध्यान देना साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन मृदा यानी मिट्टी सुधारक है, जिप्सम का प्रयोग करते हैं मिट्टी को सुधारने में, जो अम्लीय मिट्टी होता है ना उसको उपज लायक बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिप्सम जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, CaSO4 with 2H2O, याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, जब सेना को, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, देखिए जब सेना पुल को पार करता है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा क्यों, बताना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे। अमित प्रकाश जी, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ आप ही की तरह, मैं भी देख रहा हूँ, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए,
ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बी बताने वाले सभी का करेक्ट है। पूजा गहलोत, सीमा प्रजापति, कमलेश, गणेश, राजीव, अजय सभी का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुदान के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए जब सेना पुल को पार करता है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साथियों बताना, डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र क्या कहलाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए। डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र क्या कहलाते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए कोशिश करिए जवाब देने का, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो को सभी आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, सभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लोग सभी लाइक कर दीजिए फटाफट। 78 लाइक, ओनली 78 लाइक है, सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्या आएगा, पॉलीटिन क्रोमोसोम, याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुण सूत्र क्या कहलाते हैं, पॉलीटिन क्रोमोसोम, याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सभी याद रखना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, साथियों बताना, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर सात, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। बफरिंग नहीं होगा, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, बफरिंग नहीं होगा, ठीक ना, बफरिंग नहीं होगा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, सभी आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, ध्यान दीजिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी याद रखना, और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आया भी है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर एट, भारहीनता कब होती है, साथियों बताना भारहीनता कब होती है। क्वेश्चन नंबर आठ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, लखन सिंह जी, संदीप जी, मोनी जी, तूफान सिंह, क्रिस, मुकेश, मधु, आदित्य, हिमांशु, सुरजीत, सभी बताएंगे, काजू राठौर, रश्मि देवी, मंजू देवी, सभी आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, भारहीनता होती है कब, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है, सभी याद रखना, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी याद रखना, नहीं बी गलत आंसर है, बी बता रहे हो आप लोग जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है, सभी साथी बताना क्वेश्चन नंबर नाइन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का, फिर मैं तो आंसर बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए पहले क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, ओनली 200 लाइक है वीडियो में, प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी से बोल रहा हूँ। चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो आप लोग जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, चमगादड़ आएगा, सभी याद रखना, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है, चमगादड़ है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, काफ़ी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, साथियों बताना, परिजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। शुक्रिया राज पंडित जी, प्रदीप सिंह जी, पूजा कुमारी, मिस्टर इंजीनियर, आंसर बताइए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी का करेक्ट है, ध्यान दीजिए, परिजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, विटामिन ए के लिए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है,
रेटिनॉल, है ना, ये भी याद रखना, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ पे, बताना है आपको मनुष्य में रुधिर यानी रक्त कहाँ पे क्षमता है। सभी साथी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी का आंसर आना चाहिए। और आप लोग 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए, ठीक ना, 10 सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, बस सब कुछ ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी साथी बताएंगे मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसमें, बोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है। ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को बफरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी याद रखना, मनुष्यों में रुधिर कहां क्षमता है, बोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, सभी याद रखना। बिल्कुल, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बफरिंग का, आप लोग मैनेज करना और प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साथियों बताना, अवसरंग तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितना होती है। सभी बताएंगे अवसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 12 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। चलिए सभी बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, 20 हर्ज से कम, बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है। ध्यान दीजिए, अवसरंग तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम, याद रखना 20 हर्ज से कम होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसको मनुष्यों के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, इसको कौन सुन सकता है, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली, ये लोग सुन सकता है इस आवृत्ति को, याद रखना 20 हर्ज से कम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी याद रखना ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है। साथियों बताना क्वेश्चन नंबर 13 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सीमा प्रजापति जी आएंगे बता देंगे आप लोगों को आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 13 सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए जवाब देने का क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी याद रखना, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है, समताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित है एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, बताना आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित है एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है। अपमार्जक मतलब समझ रहे हो ना, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर जिसको बोलते हैं, तो बताना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए। राजीव कुमार जी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर आएगा। सभी याद रखना, वह कठोर जल में भी कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित है एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह जो है अपमार्जक जो है डिटर्जेंट पाउडर, ये जो होते हैं ये कठोर जल में भी कार्य करते हैं, इसीलिए इसको अधिक वरीयता दी जाती है अभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रखना सभी, और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आया भी है, वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, साथियों बताना, भारत के प्रथम उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 15 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आज ठीक से साउंड नहीं आ रहा है, अभी भी साउंड का प्रॉब्लम, तो साउंड का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है। देखिए भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है, बताना सभी क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं ध्यान दीजिए SLV-3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, SLV-3, सभी साथी ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। और इसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, पहले तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आएगा SLV-3, और इसके बारे में बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए
SLV-3 भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिससे 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था जो असफल रहा था। इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो सफल रहा। देखिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। SLV-3 भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिसमें 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था जो असफल रहा। इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो सफल रहा। सभी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, SLV-3। सभी याद रखना, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है SLV का, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वैक्यूम में उष्मा विकिरण की गति कैसी होती है। साथियों बताना, वैक्यूम यानी निर्वात में उष्मा विकिरण की गति कैसी होती है। सभी का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आंसर बताइए फटाफट। बिल्कुल आशीष मौर्या जी, आप भी ध्यान से सुनिए। चिंकी वर्मा जी, विपिन कुमार यादव, सभी आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वैक्यूम में उष्मा विकिरण की गति कैसी होती है। सभी का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, गलत बता रहे हो, प्रकाश के बराबर होता है, प्रकाश के बराबर। ध्यान दीजिए, वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश का कोई भी कम बेसी नहीं होता है। प्रकाश की किरण जो है ना वो निर्वात में आसानी से चल सकती है। ध्वनि तरंग जो होता है वो वैक्यूम यानी निर्वात को पार नहीं कर सकता है। याद रखना, प्रकाश के बराबर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ना घटेगा ना बढ़ेगा। वैक्यूम में उष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कोयले में से कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है। आपको बताना है, ये जो चार कोयला का प्रकार आपको दिख रहा है, कौन सा कोयला है जिसमें प्रति यूनिट सबसे अधिक गर्मी पैदा होता है। सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। चलिए कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का, निम्न में से कोयले में से कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है। सभी आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, एंथ्रेसाइट बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। बिल्कुल उच्चतम श्रेणी का, सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। और ध्यान देना, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आ जाएगा एंथ्रेसाइट। निम्न में कोयले में से कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है, याद रखना एंथ्रेसाइट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित रथि अंग कौन सा है, किसमें होता है, माफ करना, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित यानी कांग्लोवेट रथि अंग किसमें होता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। लखन सिंह जी, कोई भी इशू नहीं है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, थोड़ा हो भी रहा है तो मैनेज करना। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, नॉर कॉकरोच। जूही सिंह राजपूत जी, बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ध्यान देना सभी, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित यानी कांग्लोबेट रथि अंग किसमें होता है, नर कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सभी याद रखना, नॉर कॉकरोच, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, साथियों बताना, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। चलिए कोशिश करिए फटाफट जवाब देने का, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रहा है, मुझे पता है बफरिंग नहीं हो रहा है। अभी आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, डाइन बता रहे हो ना, डाइन, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है। ध्यान दीजिए, भार की इकाई नहीं है डाइन। डाइन किसका इकाई है, बल का CGS इकाई है, बल का CGS इकाई है ये डाइन, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, ये भार का इकाई नहीं है साथियों, ठीक ना। वेरी गुड, सभी साथी लगभग सभी करेक्ट बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, बताना, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा साथियों इस क्वेश्चन का। सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओनली 357 साथियों ने वीडियो को लाइक किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा।
वीडियो को लाइक करिए या क्लास को बंद कर दूंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो क्लास में बंद कर दूंगा अभी, ठीक है। देख रहा हूँ आप लोगों का नाटक दो तीन दिन से ऐसा ही चल रहा है, वीडियो को लाइक करिए नहीं तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान आप ही का होगा। क्लास को बंद करवाना है या वीडियो को लाइक करना है, दो तीन दिन से ये तमाशा देख रहा हूँ मैं। ध्यान दीजिए सभी साथी, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह कौन सा है, बताना माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है। सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे सभी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए सभी साथी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों, कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का क्या आंसर आएगा, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है। वेरी गुड, मैग्नेट्रॉन ट्यूब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब याद रखना सभी, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी का करेक्ट है, बाकी सभी गलत बता रहे हैं, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी आएगा, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, साथियों बताना तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, क्वेश्चन नंबर 22 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का क्या आंसर आएगा साथियों इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे, तनु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का, प्रकाश तरंग के रूप में, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तनु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में, याद रखना सभी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 23 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। चलिए सभी आंसर बताइए, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 648 लाइक हुआ है अभी वीडियो पे, 600 साथियों ने लाइक कर दिया है, 650 साथियों ने, शुक्रिया सभी का, मतलब कि फिर भी अभी आधे लोगों ने नहीं किया लाइक, कोई बात नहीं अब नहीं बोलेंगे। आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है, किसमें होता है, डीएनए में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, सभी याद रखना, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए में, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, साथियों बताना पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, पॉजिट्रॉन क्या है। चलिए सभी कोशिश करिए जवाब देने का क्या आंसर आएगा, पॉजिट्रॉन क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। और जो साथी लोग चैनल में नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक ना, सभी से बोल रहा हूँ, पॉजिट्रॉन क्या है साथियों बताना, पॉजिट्रॉन क्या है, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, ध्यान दीजिए पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, किसने, एंडरसन ने, और ये धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक होती है जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो पॉजिट्रॉन है ना ये धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, इसकी खोज एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दीजिए, वह कौन सा रोग है जिसकी वाहक तो स्त्रियां होती है लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होते हैं, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, वह कौन सा रोग है जिसकी वाहक तो स्त्रियां होती है लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होता है, सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फिर आपको आंसर हम बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल, वर्णधता बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, देखिए वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो आँखों में होता है, ठीक ना, इसकी वाहक तो स्त्रियाँ होती है लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होते हैं, याद रखना वर्णधता जिसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हो आप, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ये एक आनुवंशिकी रोग है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस रोग के बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? बताना क्या आंसर आएगा। निम्न में से किस रोग के बारे में यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का, फिर आपको फिर हम यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। सभी कोशिश करिए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, हीमोफीलिया बताने वाले सभी का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा हीमोफीलिया। ध्यान दीजिए, निम्न में से किस रोग के बारे में यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? हीमोफीलिया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। सभी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक ना। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। साथियों बताना, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कैसा बीमारी है? ये जो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है ना, ये किस प्रकार का बीमारी है? सभी का आंसर आना चाहिए, बताना क्या आंसर आएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कैसा बीमारी है, इससे क्या होता है? साथियों ध्यान देना, ये जो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम बीमारी है ना, ये एक आनुवांशिक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, देखिए क्रोमोजोम कितने पाए जाते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में? 46। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, ये आमतौर पर पुरुषों को होता है। किसको होता है? पुरुषों को होता है। और इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी 47 हो जाता है, 47। मैंने आप लोगों को पहले बताया था इसके बारे में, 47 एक बढ़ जाता है, ठीक ना। ध्यान देना, 46 से 47 हो जाता है, और इससे क्या होता है, उपरोक्त सभी, ये सभी पुरुष में स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं, पुरुषों के वृषण अल्प विकसित रह जाते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होता है ना क्रोमोसोम, उसकी एक संख्या बढ़ जाती है, और महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम, ये भी याद रखना। और महिलाओं को क्या होता है, उसमें एक गुणसूत्र यानी 46 होता है ना, उसमें महिलाओं में 45 रह जाता है, 45। ये दोनों बातें याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन 28। निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? साथियों बताना क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? किसके कारण जो है आप रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर पाते हो? आंसर बताना क्या आंसर आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, इन्फ्रारेड तरंग बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी ना, बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल इन्फ्रारेड तरंगे यानी अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। सभी याद रखना, इन्फ्रारेड तरंगे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए 29। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? साथियों बताना क्या आंसर आएगा, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट, चलिए कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का, क्या आंसर आएगा इसका। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि हम कहें कि बच्चों का IQ 100% है तो इसका अर्थ क्या है? बताना क्या आंसर आएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए जवाब देने का, क्या आंसर आएगा। यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है तो इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है। और जिन्हें भी नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आएगा, बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है, ठीक ना। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, मतलब कि जैसा जैसा बच्चा बढ़ रहा है उसमें उसका जो मानसिक संतुलन है ना, वो भी सही से बढ़ रहा है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर होता है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? बताना साथियों क्या आंसर आएगा, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 31 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। सभी बताएंगे, सूरज कुमार जी, कुलदीप चौधरी जी, रवि जी, बताना क्या आंसर आएगा, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? वेरी गुड, अमित कुमार जी, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना,
लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, बी आएगा मोनिकोलॉजी, ए नहीं बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ध्यान दीजिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी साथी याद रखना, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलम, माफ करना एसिडोफिलस, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 32, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो, बताना क्या आंसर आएगा साथियों, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। सभी साथी कोशिश करिए जवाब देने का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी का आंसर आना चाहिए, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो। रेडॉन, रेडॉन एक नोवल गैस होता है, रेडॉन एक अक्रिय गैस होता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, याद रखना वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये रेडॉन गैस ये एक अक्रिय गैस होता है। सभी साथी याद रखना, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो, याद रखना रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये एक नोबल गैस होता है और वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, याद रखना सभी, ठीक ना, वेरी गुड, आकाश सिंह जी डी आएगा, रेडॉन याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ, ये आप बोल सकते हो, ठीक ना, बताना निम्न में से कौन सी मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, बताना साथियों क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, गलत बता रहे हो ब्रह्मोस, गलत बता रहे हो, ध्यान दीजिए नाग आएगा, नाग ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, नाग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, साथियों बताना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 34 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिए साथियों जवाब देने का, क्या आंसर आएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, वेरी गुड, बहुत ही खूब, श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, श्रीहरिकोटा बिल्कुल ही करेक्ट है, और ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना सभी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, सभी साथी याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, साथियों सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और बताना कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए साथियों जवाब देने का, फिर आपको हम आंसर बता रहे हैं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, क्रेनियस नसे, ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए आएगा, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, याद रखना क्रेनियल नसे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, याद रखना सभी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 36, बताना उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है, क्वेश्चन नंबर 36 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए कोशिश करिए साथियों क्या आंसर आएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है मेरा प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए एक बार, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो साथी लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, आप लोग सभी से बोल रहा हूँ, ठीक ना, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है, क्या आंसर आएगा इसका, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो आप लोग जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, सभी याद रखना तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है, साथियों बेबी फूड्स यानी छोटे बेबी जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके खाने का सामान बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है, बताना सभी, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए,
चलिए कोशिश करिए जवाब देने का साथियों, क्या आंसर आएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए आप लोग। और प्लीज़ सभी से बोल रहा हूँ फिर से एक बार कि आप लोग लाइक कर देना, सिर्फ 935 लाइक हैं अभी तक वीडियो में, 935 लाइक, और देख रहे हैं करीब 1500 साथी लोग। क्या आंसर आएगा इसका, एमाइलेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माफ़ करना एमाइलेस नहीं ट्रिप्सिन आएगा यहाँ पे, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है, ध्यान देना। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग होता है, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है, सी बताने वाले सभी साथियों का। विक्की जी पता नहीं है तो पता मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी आएगा, ट्रिप्सिन। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ट्रिप्सिन का, याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 साथियों बताना, एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी, एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी। साथियों सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद सभी का दिल से, 1000 लाइक आप लोगों ने कर दिया वीडियो को, शुक्रिया। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी साथी बताइए, एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी। वेरी गुड, बिल्कुल ही करेक्ट है, बहुत ही खूब, सभी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का, विलहेम कुहने, याद रखना सभी ऑप्शन नंबर ए आएगा, विलहेम कुहने जिन्होंने एंजाइम शब्द की गणना की थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है। वेरी गुड साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट है, विलहेम कुहने, सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 पीएच का मान देता है जलीय होने पर। बताना साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो पीएच मान 7 देता है जब वह जलीय हो जाता है। बताना सभी का आंसर आना चाहिए, इनमें से कौन सा विलयन है जिसका पीएच मान तब 7 हो जाता है जब यह जलीय हो जाता है। सभी बताना फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए, कोशिश करिए आप लोग। क्या आंसर आएगा, पोटासियम क्लोराइड बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, ध्यान देना सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 पीएच का मान देता है जलीय होने पर, याद रखना पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 साथियों ध्यान देना, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आंसर आएगा, नहीं बेकेलाइट यहां पे करेक्ट आंसर नहीं है, लैक्सन आएगा, लैक्सन साथियों ध्यान देना, लैक्सन आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी याद रखना, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, लैक्सन का, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। वेरी गुड, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 साथियों बताना, दोहराए जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है का नाम क्या है। साथियों बताना क्या आंसर आएगा, दोहराए जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है का क्या नाम है। साथियों 50 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ध्यान दीजिए ओनली 50 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को याद भी रहेगा, अगर इससे ज़्यादा कराते हैं तो फिर माइंड में नहीं घुसेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 41, दोहराए जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है क्या नाम है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे आप लोग, मोनोमोर्स, बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का, मोनोमोर्स याद रखना सभी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती है। बताना साथियों, सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला तरंग कौन सा है, बताना, सिंपली आपको इतना बताना है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता वाला किरण तरंग कौन सा होता है। क्वेश्चन में वही पूछा गया है घुमा फिरा के, क्या आंसर आएगा, आपने पढ़ा होगा गामा किरण, गामा रे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पहले भी बताया है इसके बारे में, बिल्कुल ही करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी गामा रेज, याद रखना। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती है, याद रखना गामा रेज, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 43, किन किरणों में मैसॉन पाए जाते हैं। साथियों बताना किन किरणों में मैसॉन पाए जाते हैं, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का,
सभी का आंसर आना चाहिए साथियों, फटाफट बताइए किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी का करेक्ट है। अपित कुमार जी, सुमित जी, सभी साथी ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा, लेजर रेज, है ना, लेजर रेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं साथियों, लेजर रेज में, याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 साथियों बताना, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब किस सिद्धांत पर काम करता है। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर साथियों। चलिए सभी कोशिश करिए जवाब देने का, क्या आंसर आएगा, थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर काम करता है, फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी कोशिश करिए जवाब देने का, क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देना, थर्मोन्यूक्लियर बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, सभी याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पौधों की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के उत्तकों के आसपास हो जाते हैं, बताना इस बीमारी का नाम साथियों क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों फिर से बोल रहा हूँ, जो साथी लोग चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक ना, इससे आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। साथियों बताना, पौधों की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के उत्तकों के आसपास हो जाते हैं, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए, ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है, ग्रे मोल्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सभी साथी याद रखना ग्रे मोल्ड, ठीक ना। वेरी नाइस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, और एक क्वेश्चन है साथियों पौधों से रिलेटेड, ध्यान देना, पौधों की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, सभी साथी बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पौधों की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं, क्या आंसर आएगा साथियों इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बताएंगे आप लोग, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, बहुत ही खूब, साइट्रस कैंकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, साइट्रस कैंकर, और ये नींबू में होने वाला रोग है, किसमें होता है, नींबू में, नींबू लेमन में होता है ये रोग, साइट्रस कैंकर, याद रखना सभी, पौधों की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं, साइट्रस कैंकर, और ये नींबू में होने वाला रोग है, सभी साथी याद रखना, ठीक ना। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, साथियों बताना क्या आंसर आएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे, आदित्य मिश्रा जी, अनु पटेल जी, बड़ी हंस रही हो आप अनु जी, क्या बात है, खैर ये नई बात थोड़ी है, आप तो 3 महीने से रेगुलर हंस रही हो डेली, है ना, कोई बात नहीं, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी बताएंगे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था साथियों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हॉल्डन बताने वाले सभी का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, रीना जी वेरी गुड, बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का, मनीष यादव जी, मुकेश जी, मधु जी, बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सभी साथी याद रखना, बिल्कुल हॉल्डन आएगा, हॉल्डन ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखना, ठीक ना, वेरी नाइस, वेल डन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 साथियों बताना, थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करता है, साथियों बताना थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करता है, सभी का आंसर आना चाहिए साथियों, फटाफट बताइए आप लोग, मयंक जी, मसू जी, सुशांत जी, शिवम, शिवानी, कपूर तिवारी, सुनील, प्रदीप, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे क्या आंसर आएगा, अनीता देवी जी, दिनेश जी, अमरजीत वर्मा, उत्तम, अशोक, कृष्णा, रवि, दिनेश, प्रशांत, सभी साथी बताएंगे, काम चोर ट्यूबर क्या नाम है, जिया शर्मा, अभिषेक, रिया, विवेक, प्रीत कौर, सभी साथी बताएंगे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो आप लोग, ए और बी जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, करेक्ट है, याद रखना थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करता है, T3 और T4,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, सभी याद रखना। वेरी गुड, शशांक जी, अंशु जी, रीना जी, रेखा दी, बिल्कुल ही करेक्ट है सभी का। वेरी गुड, देसी छोरा, नाइस नेम, मयंक चौधरी, बिल्कुल ही करेक्ट है साथियों, बहुत ही खूब। अगला क्वेश्चन 49, ध्यान देना, पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? साथियों बताना, पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? साथियों सभी वीडियो को लाइक कर देना, सभी से बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को सभी लाइक कर देना, और जो साथी लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सभी से बोल रहा हूँ साथियों, सभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? गलत बता रहे हो, जाइलम कहाँ से आएगा? शुक्रिया हरिओम गोस्वामी जी, आपने लाइक कर दिया, जाइलम गलत आंसर है। सुजीत कुमार सिन्हा, बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। राहुल कुमार जी, ब्रिजेश जी, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है। शाहरुख खान जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, फ्लोएम, ध्यान देना सभी, फ्लोएम आएगा। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, आज के क्लास का, आज 85 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, ठीक ना साथियों, क्योंकि जब तक मैं उधर से नहीं आता। बिल्कुल वेरी गुड, सभी का करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल ही करेक्ट है, वेरी गुड, बी आएगा, फ्लोएम, जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से, ठीक ना। यहाँ पे भोजन का पूछा गया है तो फ्लोएम आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50, साथियों बताना क्या आंसर आएगा। रांची का छोरा, मधु, संगीता, नीरज, जगदीश, नीतू, मधु, जूही सिंह राजपूत, अमरजीत वर्मा, आंसर बताइए, जूही सिंह राजपूत जी, क्या हुआ आपको? बिल्कुल शुक्रिया निशांत जी, विवेक जी, बबली कुमारी, आंसर बताइए साथियों। रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए। कपूर तिवारी जी, शालिनी देवी जी, बिल्कुल कुलदीप चौधरी जी, आपका भी नाम लेंगे, कोई भी इशू नहीं है, कुलदीप चौधरी जी, आंसर बताइए। मिशु शुमा, क्या आंसर आएगा? नीरज कुमार यादव, सीमा वर्मा, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा साथियों इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए, पल्स आएगा, पल्स, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना, सुरेंद्र जी, सतीश जी, बिल्कुल ही करेक्ट है, ललित जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, पल्स, याद रखना सभी, ठीक ना, पल्स आएगा। साथियों आज का क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, कल आप लोगों का अगला क्लास लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना, कि कल क्लास आप लोगों की होगी कि नहीं, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा साथियों, ठीक ना। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का टिकट तो हुआ नहीं साथियों, कल का टिकट मिल नहीं रहा है, कल रिजर्व है सब कुछ, टिकट नहीं मिल रहा है और बिना टिकट का कैसे जाएं, ठीक है। कल का टिकट नहीं हो रहा है, परसों का टिकट बन रहा है, अगर देखते हैं रात भर में कल का टिकट हो जाता है तो फिर कल ही चल जाएंगे, कल आप लोगों का क्लास ऑफ रहेगा, ठीक ना। अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो साथी लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक ना। वेरी गुड, मैं बता दूंगा कल आप लोगों को साथियों। बिल्कुल दीपक शर्मा जी, अनिल सिंह जी, खुशी जैन जी, शुक्रिया साथियों। उदय राम जी, जयपुर जाना है जयपुर। पवन जी, शुक्रिया, गुड नाइट सभी को। जूही सिंह राजपूत जी, राजीव जी, बीरू जी, रेखा जी, रोशनी अहिरवार, जूही सिंह राजपूत, अंशु, प्रीत कौर, रीना, विकास, मशु, दिनेश, सचिन, पुष्पेंद्र सिंह, सभी का शुक्रिया साथियों। रवि कुमार जी, इमरान खान जी, बिल्कुल न्यू दिल्ली से, पहले तो न्यू दिल्ली जाना है ना, यहाँ से रांची से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जयपुर का, तो पहले न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, न्यू दिल्ली से फिर फ्लाइट चेंज करके जाना पड़ेगा वहाँ पे जयपुर में, ठीक है। बिल्कुल साथियों, कल मैं बता दूंगा आप लोगों को, बता दूंगा, ठीक ना, बता दूंगा। चलिए तो साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो साथी लोग चैनल में पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना सभी, ठीक ना। वेरी गुड, हरिओम मेहता जी, उदय राम जी, सभी से मिलते हैं कल। प्रदीप सिंह जी, शुक्रिया प्रदीप जी, जिया शर्मा जी, गुड नाइट। शाहरुख जी, जूही सिंह राजपूत जी, पायल जी, रोशनी, अनिल, सूरज, इंदल, सभी का शुक्रिया। कपूर तिवारी जी, इंदिरा कुमार, मंजू, आदित्य मिश्रा, अनिल पाल, शाहरुख, कपूर, मिशु, दीपक, हरिओम, रोशन, सभी का शुक्रिया साथियों। अखिलेश कुमार, सलवार, राजकुमार, संतोष, प्राची, कपूर, कृष्णा, ललित, पूजा, पूजा गर्ग, पूजा गहलोत, बलदेव, हरिओम, सपना मिश्रा, प्रवीण,
शुक्रिया साथियों। संगीता गुप्ता, कोशिश किए हैं सभी का नाम लेने का, अगर किसी का छूट गया तो अगला क्लास में ले लूँगा आप लोगों का नाम साथियों। शुक्रिया सतीश जी, नरेंद्र जी बिल्कुल, प्राची जी, शिव रंजन जी, अंकिता सिंह, गिफ्टी जी, सभी का शुक्रिया। कल सभी से मिलते हैं, अगर हो सके तो कल क्लास देखता हूँ, जैसा होगा आप लोगों को बता दूंगा। और अगर क्लास नहीं ले पाया तो समझ जाना कि मैं जर्नी कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना बिल्कुल। कुंवर कुमार जी, प्राची सिंह जी, मोनिका, ज्ञान सागर, सभी से मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।